अगर ये टिब्बी थाने वाली तुम डील मेरी फाइनल करवा देते हो, तुम्हें इसमें इतने किकबैक्स मिलेंगे जितने राजा परवेज अशरफ को रेंटल पावर प्लांट में मिले थे। संजय लीला टेक्साली, बट किकबैक्स नहीं लेता जी, ये तो कलेजी पोटे की प्लेट पे अपना सब कुछ दाव पे लगा देता है। संजय टेक्साली, कलेजी और पोटे के साथ अगर रायता और सलाद भी दिलवा देंगे तो बट अफगानिस्तान में भी लोकेशन ढूंढ देगा। ये रायता सच कह रही है। वैसे बट साहब, आपके कोलीग्स जो हैं सुपर ओवर के, ये आपकी बहुत खिदमत करते हैं ऐसे। आज दे हाथ थोड़ा रखे आगे। टेक्साली साहब, आप मुझे किकबैक कोई ना दें, बस मुझे बताएं कौन सी लोकेशन चाहिए, मैं आपको करवा दूंगा। बट मेरा शूट प्लान कुछ इस तरह से है जी जी, मेरा क्लाइमेक्स मियां सली की हवेली में, एंटी क्लाइमेक्स ताफो की हवेली में, वाह, और मुहूर्त टिब्बी थाना में है। दुर्फिटे मुंह, मतलब टिब्बी थाने में मुहूर्त है और थे ताड़े थे पर्चा भी हो सकता है। तुम दरखास्त में कुछ ऐसा नाम लिखवा देना कि एसएचओ पर्चा ना देने पर मजबूर हो जाए। ओहो साकिब, आप राइटर भी हैं, मुझे बताएं आजकल टेलीविजन के अंदर जो मौजूआत स्पेशली मेन को नेगेटिव पोर्ट्रे किया जा रहा है, आप उसे एग्री करते हैं? बट साहब, ये ना सिर्फ एक फ्लेवर चेंज किया है, पिछले 10-15 सालों से सास बहू को बुरा दिखा रहे थे, अब दामाद और ससुर को बुरा दिखा रहे हैं, ज्यादा फर्क नहीं है। मेहरुन्निसा, वी लव यू, वी डू। ये फिल्म आपने लिखी थी, इसका मुआवजा मिला था या मुआवजे में कैरेक्टर मिला था? कैरेक्टर मिला था और मुआवजा जो है वो थोड़ी तसल्ली और थोड़ा मुआवजा। ये हम लोग को मिलता है, इनको तो मिल जाता है। वो अच्छा कमा रही है। रुखमा अपने फिल्म का डेब्यू करने जा रही हैं सुपर पंजाबी के साथ। ये फिल्म आपको खुद चल के मिली थी या इसके लिए रेजीम चेंज ऑपरेशन करना पड़ा? नहीं, मुझे लगता है कि मुझे खुद उसके लिए चल के जाना पड़ा था, क्योंकि एक्टिंग का मुझे हमेशा से शौक था। अच्छा रुखमा, अगर तुम्हें एक्टिंग का शौक है तो ये कहाँ कद्दूकश बट के पास बैठी हो? यहाँ आओ किंग मेकर के पास, देखो तुम्हें मिट्टी से कैसे सोना बनाता हूँ। ये देखो, ये अभी सोना तो नहीं बन सकी लेकिन पीतल बन गई हैं, इनके बारे में कहा गया ना, ए दुनिया पीतल दी। नहीं पीतल कुमार, हमारे बारे में तो ये कहा गया है, ये दुनिया पीतल दी, ये दुनिया पीतल दी, ओ बेबी डॉल में सोने 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 दी। यार आपको मना किया डॉक्टर ने, इस तरह का डांस ना करे, पिछले हफ्ते आपके पीतल का ऑपरेशन ही हुआ। मैंने अपना पित्तल निकलवा दिया था। टेक्साली, आए तुम महाराष्ट्र से हो, स्टेप तुम्हारे सारे शानूर वाले। हो तुम अकबर बादशाह और फिरते शानूर में रहते हो, इस खज्जल खुआरी की वजह बताएंगे आप? शायद तुम्हें यही नहीं मालूम, हमारी स्टेप मदर बाली जट्टी, हम उनकी आत्मा को वहां मिलने जाते हैं। आत्मा को नहीं, तुम्हारी वहां भतीजी रहती है आत्मा लता। रुखमा मुझे बताएं कि सुपर पंजाबी में पंजाबी बोल के किसको टफ टाइम देने वाली है, हुमायूं मलिक को, मायरा खान को, या चौधरी परवेज इलाही को? मेरे ख्याल से मायरा खान को। क्योंकि पंजाबी स्पीकिंग में नहीं हूँ शुरू से, मेरे घर वाले नो डाउट पंजाबी हैं बट मुझे ठेठ पंजाबी उस तरह से नहीं आती, सो इट वॉज चैलेंजिंग फॉर मी। जेलम तो पंजाब में है और आपको पंजाबी नहीं आती, ताड़ा जेलम स्विट्जरलैंड वाला तो नहीं है? नहीं, मेरे घर वाले दरअसल मेरे साथ ना उर्दू ही बोलते थे बट आपस में पंजाबी बोलते थे। मैं बोल लेती हूँ, समझ भी लेती हूँ, लेकिन वो ठेठ एक्सेंट मेरा नहीं है बस। आपने टफ टाइम जब मायरा को देना, अगर उसने सुपर पंजाबी ना देखी तो? क्या आपको भी मायरा खान और फवाद खान की तरह पंजाबी की क्लासेस लेनी पड़ेंगी? नहीं, क्लासेस नहीं ली थी मैंने मूवी के लिए, लेकिन हाँ जरूर मेरी वर्कशॉप क्लासेस थोड़ी बहुत हुई थी, उनमें उन्होंने मुझे एक्सेंट सिखाया था और मूवी से एक दो हफ्ते पहले मैं फिर पंजाबी में ही बात करती थी अक्सर लोगों के साथ। अच्छा, किवें जरा थोड़ा जा पंजाबी दा डेमो तो दियो ना, कि एक बड़ी खूबसूरत लाइन है, वे मैं तेरी पक्की पक्की मशूका, मेरी तरह मुंह करके। हां जी, है नहीं, मैं बोल सकती हूं? नहीं बोल सकते? नहीं, फिर देखना भी ना। रुखमा ये क्या बात हो, ये तो बड़ा एक मजेदार डायलॉग है, मैं तेरी पक्की पक्की मशूका, अगर आप डायरेक्टर ने आपको दे दिया तो आपको तो उसको देख के बोलना चाहिए, जरा बोले ना। नहीं, मैं तो सानू खुश नहीं करना चाहती।
फिर अदी वाली पंजाबी बोल दियो हूं तो सानू चंगी पली पंजाबी आ गई हैगी बट साहब हाथ दीजिएगा आपकी ख्वाहिश मैं पूरी कर देता हूँ वे मैं तेरी पक्की पक्की मशहूक ये फिल्म नहीं बनेगी पर्चा हो जाएगा इस फिल्म की सिचुएशन संजय लीला बनाएगा अच्छा हाँ टकसाली बनाएगा रुखमा आपको मैं पंजाबी का डायलॉग देता हूँ आप बट की तरह मुंह करके बोलिए मैं बटा पहली गोली में तेन इस वास्ते मारांगी तू छे नान ते छे पावे एक साथ खा जाना है बटा मैं तेन पहली गोली इस वास्ते मारांगी कि तू छे नान ते छे पावे एक साथ खा जाना है दूजी गोली तेन इस वास्ते मारांगी तू विच पानी भी नहीं पींदा दूजी गोली तेन इस वास्ते मारांगी कि तू विच पानी भी नहीं पींदा तीसरी गोली तेन इस वास्ते मारांगी तू उधार लैके वापस नहीं करदा तीसरी गोली तेन उस वास्ते मारांगी कि तू उधार लैके वापस नहीं करदा चौथी गोली तेन इसलिए मारांगी ओदी वजह कोई नहीं चौथी गोली तेन इस वास्ते मारांगी ओदी कोई वजह नहीं साकिब आपका ड्रामा रकीब से बहुत पॉपुलर हुआ मुल्क से बाहर भी बहुत लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया जिसमें आपका कैरेक्टर हदीका कियानी के साथ मैरिड होता है और आपने बहुत ज्यादा तशद्दुद किया हदीका कियानी के ऊपर इस पे कोई डोमेस्टिक वायलेंस का पर्चा तो नहीं आपके ऊपर हुआ अभी तक तो नहीं हुआ लेकिन शायद आपके कहने के बाद कुछ हो जाए नुमान इजाज से आपने बहुत कुछ सीखा वो वाला हुनर भी सीखा कि बीवी को पता ना लगे ये तो पहला लेक्चर था उनका मैं तेनु दस रही हूं अरे वाह राइटर कमर हाँ हाँ राइटर कमर सोशल मीडिया पे हर तरह का मवाद देखने वाले मर्द की एक ही पुकार राइटर कमर राइटर कमर राइटर कमर तुम्हें पता है बट जी इस हिपोक्रेट सोसाइटी में पैदा होने वाला मैं वो बच्चा हूँ फ्रेम बना यार क्लोज कर बिल्कुल हुमायूं सईद वाला वो बच्चा जिसके पास शर्ट होती थी पर निकर नहीं होती थी और जब निकर होती थी तब शर्ट नहीं होती थी लेकिन आज मेरे पास शर्ट भी है और निकर भी लेकिन अफसोस होड़ो पिंडा ही नहीं रहा बादशाह हाथ आगे करो ये आप हर वक्त इतने खिजे क्यों रहते हैं सिगरेट का धुआं ही नाक नूं वजदा रहिंदा ना बट औरत के लिए अगर मनफी किरदार लिखूं तो मीडिया सोशल मीडिया चौक चौराहों पे वो ये साबित करती हैं कि मैं औरत की इज्जत नहीं करता लेकिन मर्द के लिए अगर मनफी किरदार लिखूं तो किसे मर्द की गैरत ही नहीं जागदी अफसोस सद अफसोस हाथ अगे कर ऐसवा सौन लगे खानी नहीं ये जोधा बाई ने तेरे सिर च पुआनी राइटर कमर जब से तुमने दो टके की लड़की वाला डायलॉग लिखा है बाखुदा तुम जोधा बाई को जहर लगने लगे हो इससे पहले कि तुम्हारी मौत का प्रमाण लिख दिया जाए जाओ चले जाओ यहाँ से और फिर दोबारा लौट के मत आना आलम पना होल्ड ऑन आपको पता है मेरे पास तुम हो पाकिस्तान की हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रामास है और खलील रहमान कमर ने क्या खूबसूरत लिखा है वो ड्रामा जी बिल्कुल उसके डायलॉग कैरेक्टर्स आउटस्टैंडिंग नहीं मैं अग्री करती हूँ सारे एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी दैट वाज इनक्रेडिबल स्पेशली हुमायूं सईद आई रियली लव्ड हिज एक्टिंग हुमायूं बट रुखमा भी हुमायूं सईद की फैन निकली भाई हुमायूं सईद के लिए या पीडीएम बन रही है क्या अरे बेशक बननी चाहिए भाई हुमायूं सईद पाकिस्तान के सबसे बड़े हीरो हैं अभी देखना आने वाले वक्त में हर रुखमा का रुख हुमायूं सईद की तरफ होगा रुखमा तुम भी हुमायूं सईद की फैन हो ये कह के तुमने साढ़े रुखमा ते नमक ही सुटे